आज हम कंपैरिजन करेंगे मुंबई इंडियंस व कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में कुल 187 मैच खेले हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में कुल 181 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस ने कुल 109 मैच जीते हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 92 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस ने कुल 78 मैच हारे हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 86 मैच हारे हैं। मुंबई इंडियंस का कोई भी मैच बेनतीजा नहीं रहा है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। मुंबई इंडियंस का आईपीएल में हाई स्कोर 223 रन है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का हाई स्कोर 245 रन है। मुंबई का आईपीएल में लोवेस्ट स्कोर 87 रन है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का लोवेस्ट स्कोर 67 रन है। मुंबई इंडियंस का केकेआर के सामने हाई स्कोर 210 रन है, वहीं केकेआर का मुंबई के सामने हाई स्कोर 232 रन है। मुंबई इंडियंस का केकेआर के सामने लोवेस्ट स्कोर 108 रन है, वहीं केकेआर का मुंबई के सामने लोवेस्ट स्कोर 67 रन है। मुंबई इंडियंस व केकेआर ने एक दूसरे के साथ आईपीएल में कुल 25 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ कुल 19 मैच जीते हैं, वहीं केकेआर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ 6 मैच हारे हैं, वहीं केकेआर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 19 मैच हारे हैं। आईपीएल में दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मैच बेनतीजा नहीं रहा है। मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है, वहीं केकेआर ने 2 बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है। मुंबई इंडियंस ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार आईपीएल का खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस को 1 बार आईपीएल के फाइनल में हार मिली है, वहीं केकेआर ने आईपीएल के फाइनल में सभी मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में कुल 4 शतक लगे हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से केवल 1 शतक लगा है।